उमरिया जिले की 83 वर्षीय आदिवासी महिला जुधैया अम्मा को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया है। गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व जुधैया अम्मा को पद्मश्री सम्मान मिलने की सूचना आने के बाद पूरे जिले में खुशी का माहौल हो गया। जुधैया अम्मा जिले के लोढ़ा में स्थित जनगढ़ तस्वीर खाना से आदिवासी कला की शुरुआत की। गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर अम्मा को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान दिया गया। जुधैया बाई के गुरु आशीष स्वामी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी इच्छा थी कि अम्मा को पद्मश्री सम्मान मिले। अम्मा आदिवासी कला में लगातार काम कर रही थी और अम्मा की बनाई पेंटिंग विदेशों में भी प्रसिद्ध है। अम्मा आदिवासी कला को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत कर रही थी। अम्मा को इससे पहले नारी शक्ति सम्मान भी मिल चुका है। अम्मा को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया था। 83 वर्षीय जुधैया अम्मा का जीवन बहुत कठिन था। कम उम्र में शादी हो जाना और उसके बाद पति की मौत हो जाने के बाद अम्मा मजदूरी की और अपने परिवार का भरण पोषण किया, फिर आदिवासी कला को बढ़ाने में लगातार मेहनत की और अब उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला है। सभी देश एवं प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यह गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने क्षेत्र के लोगों के सुखद जीवन की कामना करता हूं। साथ में लोगों से यह अपील करता हूं कि क्षेत्र में भाईचारा, मधुरता एवं गणतंत्र दिवस का जो उद्देश्य है कि लोगों को संगठित रहना, एक साथ रहना, आपसी भाईचारा बना रहना और एक नई ऊर्जा के संचार के साथ हम सब गणतंत्र दिवस मनाएं और अपने देश के हित में निर्णय लें, अपने देश के हित के बारे में सोचें और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचें एवं सभी पंचायत राज प्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, पूरे जिले के, पूरे प्रदेश के, पंचायत स्तर के प्रतिनिधि, पंच भाई को मैं अपने जनाधिकार पंचायत राज संगठन की तरफ से गणतंत्र दिवस की एवं नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूँ। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार।